दादरा नगर हवेली के दुधनी पंचायत में आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। दुधनी के एक डूंगर यानी पहाड़ी पर डूंगरी मालवी माता नामक स्थान है, जहां उनके दर्शन करने तथा अपने मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धालु तपती धूप में डूंगरी मौली माता के दर्शन करने पहुंच रहे थे। जानकारी के अनुसार यह डूंगरी मौली माता का पूजा 1969 से किया जा रहा है और यहाँ हर साल 31 मई को हजारों के तादाद में भावी भक्त अपने मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। तपतपाती धूप को नजरअंदाज कर श्रद्धालु डूंगर की चढ़ाई करते दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर हर साल आज के दिन काफी संख्या में भक्त आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं के सेवा में भाजपा के युवा नेता, मुंबई हाई कोर्ट के तेज तर्रार एडवोकेट सनी भीमरा सेवा कार्य करते नजर आए। सनी भीमरा एवं उनकी टीम सुबह से ही डूंगर के ऊपर श्रद्धालुओं के प्यास मिटाने के लिए ठंडे पानी का व्यवस्था किया और इस त्योहार में यहाँ पधारे श्रद्धालुओं के लिए अपनी निष्ठा से सेवा कार्य करते दिखाई दिए। इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि पालघर से लेकर सूरत और दमन दीव तथा गोवा से भी श्रद्धालु यहां आते हैं और डूंगर मौली माता का दर्शन करते हैं। भाजपा नेता सनी भीमरा लगातार सभी समाज के लिए सेवा भाव का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण विस्तार से लेकर शहरी विस्तार तक अधिवक्ता सनी भीमरा लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को जानकर कैसे उसे दूर किया जाए उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज उन्होंने दुधनी के इस डूंगर पर, जहां आसानी से चढ़ना भी मुश्किल है, ऐसे स्थान पर भक्तों के लिए अपनी टीम के साथ सेवा करते नजर आए। हम सब की तरफ से डूंगर मौली का जो त्योहार है, जो पर्व है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सबको शुभेच्छा देना चाहूँगा। ये बात सही है कि हर साल 31 मई को हजारों की तादाद में यहाँ पे तलाश्री से लेके वसई से लेके यहाँ पे सूरत, ये पूरा जो पट्टा है वहाँ से लोग यहाँ पे हर साल आते हैं। कई लोग यहाँ पे पैदल भी आते हैं। यहाँ पे जो माता का जो मंदिर है, यहाँ पे ये जो अपना ये डोंगर मावली का जो मंदिर है, यहाँ पे लोगों की बहुत श्रद्धा है, बहुत यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है, इसलिए हर साल दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और हम लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेवा करने का हमें जो अवसर मिला है उसके लिए हम बहुत ही आभार मानना चाहेंगे। डोंगर मावली का जो पूरा कमेटी है उनका, अभी तो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे फैसिलिटीज बनी है, यहाँ पे चलने की फैसिलिटीज बनी है। यहाँ के हमारे जो ग्रामजन है, इन सब के मेहनत की वजह से यहाँ पे जो अपना जो चर्च है दुधनी का, इन सब के प्रयासों से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे भी स्टेप्स बन चुके हैं। लेकिन इससे पहले जो थी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लोगों को बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक चल के आना पड़ता था। प्रशासन ने भी बहुत सपोर्ट किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया है और अभी थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे फैसिलिटीज ला पाए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऐसे पक्के रोड नहीं है कि यहाँ पे लोग आ सके। इसलिए काफ़ी लोगों की ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, रोप वे की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे नहीं चल के आ सकते हैं, जिनको यहाँ पे दर्शन करना है, उनके लिए भी कुछ अगर जो यहाँ पे फैसिलिटीज आ सकेगी तो जो माता का जो आशीर्वाद है वो सबको मिल सकेगा, सबको उसका लाभ हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और स्पेशली हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने दुधनी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक चिड़ियाघर भी आने वाला है, तो साथ ही साथ हम ये भी उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने चाहिए, अच्छे अच्छे यहाँ पे रिजॉर्ट्स आने चाहिए, ताकि यहाँ के जो ग्रामजन हो उनको भी यहाँ पे नौकरियाँ मिल सके। यहाँ पे अच्छे से रोड्स भी बनने चाहिए, यहाँ पे बोटिंग का इतना अच्छा स्कोप है तो बोटिंग के लिए भी यहाँ पे मतलब अपना कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से करना चाहिए यहाँ के। और हम देख सकते हैं कि इस पर्व के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी सारे, आप जितने भी यहाँ पे आप स्टॉल्स देख सकते हो वो सब यहाँ के ग्रामजनों के ही है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस चीज़ को और अच्छी तरीके से डेवलप किया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है वो और अच्छी तरह से डेवलप होना हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे साथ जो भाई है वो भी यहाँ पे रसना और अपना खाने का ये फैसिलिटी, नाश्ते का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इनका दूसरा साल है। और हमारा जो हम लोग यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा पहला साल है। तो मैं मेरे साथी मित्रों को भी बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ही नगर हवेली और अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आए और हर कोई अपना अपना यहाँ पे योगदान दे, ताकि डोंगर मावली का जो त्यौहार है हम लोग सब मिल के ज़्यादा अच्छे से बना सके और इनका आशीर्वाद सबको मिल सके।